एवरीवन, आज हम आपके सामने क्लास यूकेजी में आप बच्चों को सिर्फ सिलेबस में होता है आई के साथ एम यूज करें एंड यू के साथ आर यूज करें। यू के साथ आर कैसे यूज करते हैं, मतलब आर इज ऑलवेज यूज विथ यू, यानी सेकंड और अदर पर्सन। तो आर और इसका बेसिकली एम का इंट्रोडक्शन बताऊंगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बच्चे को हमेशा यही बताइए, जो एम होता है ना, एम वर्ड हम किसके साथ यूज करेंगे, हमेशा आई के साथ जब हम अपनी बात करेंगे। आई, जैसे आई एम सैम, मैं कौन हूँ, सैम हूँ। आई एम अ बॉय, मैं क्या हूँ, बॉय हूँ। आई एम मोनिका, आई एम अ गर्ल। आई एम जॉन, मैं जॉन हूँ। आई एम वेयरिंग येल्लो शर्ट, मैं क्या पहना हूँ, येल्लो शर्ट। आई एम जेनिफर, आई एम लाफिंग, मैं हंस रही हूँ, मेरा नाम जेनिफर है या मैं जेनिफर हूँ। आई एम माइकल, आई एम वेयरिंग पिंक शर्ट। तो इस तरीके से आप बच्चों को करवा सकते हैं, बच्चों को ऐसे बताइए आप, जैसे आई एम राम, जैसे यहाँ पे दिया आई एम जेनी, आई एम वेयरिंग रेड रिबन, मैंने क्या पहना है, रेड रिबन। आई एम मारिया, आई एम वेयरिंग ग्रीन हेयर बैंड, मैंने क्या लगाया है, ग्रीन हेयर बैंड। आई एम नाओमी, आई एम स्माइलिंग, मैं स्माइल कर रही हूँ। आई एम जैक, आई एम स्माइलिंग। आई एम मैरी, आई एम वेयरिंग पिंक शर्ट। आई एम हैरी, आई एम वेयरिंग येल्लो शर्ट। इसकी आप वर्कशीट किस तरीके से करा सकते हैं, जैसे सिंपल सी कुछ भी आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, जैसे कोई भी गर्ल, और आप बच्चे से कहिए लिखो आपका जैसे कुछ भी नाम है, जैसे आप ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मान लीजिए आई एम कोई भी आप ले लीजिए, रीना। आई एम अ गर्ल, बस आपको यही करना है। जैसे यहाँ पे फिर से ले लीजिए, आई एम राम, आई एम अ बॉय। अब बच्चा अगर आपका इतना लिख सकता है या कैपेबल है, तो जैसे आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं, आई एम वेयरिंग येल्लो शर्ट। आई के साथ बस बेसिकली क्या आना है, एम, जैसे आई एम पूजा, आई एम अ गर्ल, आई एम स्माइलिंग, आई एम राहुल, आई एम अ बॉय। बच्चे को लिखने दीजिए, आई एम स्माइलिंग, यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, आई एम नैन्सी, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम वेयरिंग ग्रीन हेयर बैंड। तो इस तरीके से आप बच्चों को इसमें आई के रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यू की। तो यू में आप कैसे कराएंगे, जैसे पहले तो आप बच्चे को बताइए, जहां पे यू आएगा वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आर। आर इज ऑलवेज यूज विद यू। जैसे आई के संग हमेशा एम लगाएंगे, जैसे आप बच्चों को ये ऐसे लर्न करवा दीजिए, आई के साथ लगवाएंगे हमेशा एम और यू के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा आर, सेकेंड पर्सन के साथ या अदर पर्सन के साथ। यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है या अदर पर्सन होता है। अब जैसे फिर से स्टार्ट करते हैं, जैसे यू आर रॉकी, यू आर हैप्पी, तुम कौन हो, रॉकी, और तुम खुश हो। यू आर सान्या, यू आर ए गर्ल, सॉरी, यहाँ पे जैसे दो दो पिक्चर्स ली गई हैं, और इसमें जो गर्ल है ये बॉय को बोल रही है, इसको यू आर रॉकी, तुम रॉकी हो, यू आर हैप्पी। जैसे ये बॉय किसको, ये गर्ल को बोल रहा है, यू आर सान्या, यू आर ए गर्ल। अब जैसे ये किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, यू आर डियाना, यू आर लाफिंग, यू आर काइल, यू आर वेयरिंग। अब जैसे यू आर काइल, ये इसको बोल सकता है, यू आर काइल, यू आर वेयरिंग पिंक शर्ट। अब यू आर डेविड, या ये इसको बोल रही है, यू आर काइल एंड यू आर वेयरिंग पिंक शर्ट। इसको यू आर डेविड मीन्स आप बस एक जनरल आपको ये बताना है कि कुछ भी आप दो फिगर ले लीजिए सिंपल से, बच्चों को बताइए ये दूसरा पर्सन अदर, खुद से बात नहीं कर रहा है, खुद से नहीं कर रहा है, आई की बात नहीं कर रहा है, दूसरे को बता रहा है। जैसे यू आर डेविड,
यू आर स्माइलिंग। तो इस तरीके से बस सिंपल सा इसमें आप इंट्रोडक्शन जैसे दे सकते हैं। अब जैसे इसमें जैसे ये बॉय है ये गर्ल को कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम अगेन फिर से हम ले लेते हैं, यू आर नैन्सी, यू आर ए गर्ल, यू आर रॉय, यू आर वेयरिंग येलो शर्ट। यू के साथ बस आपको क्या यूज करना है बच्चों को सिखाना, यू आर, यू आर अगेन पूजा, यू आर स्माइलिंग, यू आर डियाना, यू आर लाफिंग, यू आर राहुल, यू आर वेयरिंग पिंक शर्ट। तो बस इस तरीके से आपको बताना है, सिंपल सेंटेंसेस बच्चों को सिखाने हैं आपको, और आई के साथ बस सिखाना है एम आएगा, और यू के साथ आपको आर यूज करना है। तो बस यही इतना सिलेबस है, सिंपल सा सिलेबस है, सिंपल सा सेंटेंसेस है, जिसमें आप यूकेजी के क्लास के बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।